स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे। भारत का संसदीय इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो 17वीं लोकसभा के पहले सत्र की उपलब्धियों को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जून 2019 को जब सदन के संचालन की कमान युवा नेतृत्व माननीय ओम बिरला के हाथों में आई तो पहले दिन से ही उनके इरादे साफ थे कि संसद में अब हंगामा नहीं सिर्फ काम होगा, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ज्यादा होगी। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। शून्यकाल में अपने विषय को संक्षिप्त में रखना है। 19 जून 2019 से 6 अगस्त 2019 के बीच पहले सत्र में ही 125% कामकाज का नया रिकॉर्ड बना। 1952 से लेकर अभी तक का सबसे स्वर्णिम सत्र आपके सहयोग से रहा है। इसी एक सत्र में लोकसभा में अब तक के इतिहास के सबसे ज्यादा बिल पास हुए, 36 विधेयक पारित हुए और संसद के अंदर 1992 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा विधेयक पारित आप सबने इस संसद में किए। पहली बार ऐसा हुआ जब नए चुनकर आए 265 सांसदों में से 229 सांसदों को लोकसभा के पहले सत्र में ही बोलने का मौका मिला। 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 161 सांसदों ने अपनी बात रखी। 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वह शून्यकाल के दौरान हो, सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान हो। जनता के खून पसीने की कमाई का अपव्यय कम हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सहमत कर संसद की कैंटीन की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। 47 वर्षों बाद 27 नवंबर 2019 को नया इतिहास रचा गया जब प्रश्नकाल की सूची में शामिल सभी 20 प्रश्न पूछे जाने का अवसर मिला और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। मैं सभा को बधाई देना चाहता हूं, हम आज 20 प्रश्नकाल पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, माननीय ओम बिरला के संचालन में प्रश्नकाल के दौरान औसतन 8 से 10 पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पहले अधिकतम 5 हुआ करते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पेपरलेस कार्य योजना भी बनाई गई और संसद में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की गई। संसद के अंदर प्रीपेड कार्ड पॉइंट व्यवस्था के लागू होने से समय की बचत भी हुई और पेपरलेस कामकाज से प्रिंटिंग जैसे मोटे खर्चों पर रोक भी लगी। सांसदों की ज्ञान वृद्धि के लिए ऑनलाइन रेफरेंस की शुरुआत हुई और जनता तक संसदीय लोकतंत्र की जानकारी पहुंचाने के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की स्थापना की गई। बतौर लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला न सिर्फ संसद के अंदर के उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई अहम भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। दिसंबर 2019 में देश भर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की देहरादून में बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष के मैत्रीपूर्ण स्वभाव और लोकतांत्रिक विचारों के प्रति विधानसभा अध्यक्षों और विधान परिषद के सभापतियों का उत्साह सहज ही देखा गया था। लखनऊ में इसी साल कॉमनवेल्थ संसदीय संघ के इंडिया रीजन की बैठक और इससे पहले बेलग्रेड में हुए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की मीटिंग में माननीय ओम बिरला ने सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की मजबूत संसदीय व्यवस्था को दुनिया के मंच पर स्थापित कराया। 26 नवंबर 2019 को 70वें संविधान दिवस के मौके पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित किया। हम सब भारतवासी यदि संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपने रोजमर्रा के आचरण में
उतारे तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। सदन की कार्यवाहियों और लोकसभा सचिवालय की व्यस्तताओं के बावजूद श्री ओम बिरला ने अपने क्षेत्र और जनमानस की समस्याओं के समाधान में स्वयं को जुटाए रखा। आप उनके आवास पर बिना किसी प्रोटोकॉल के मिलकर अपनी समस्या सुना सकते हैं। लोकसभा के चैम्बर में भी चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, पर लोगों से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की इस आपात घड़ी में भी लोकसभा अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम लोगों से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वैसे तो एक साल का समय बहुत कम होता है, पर माननीय ओम बिरला ने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और बेहतरीन सामंजस्य से ये साबित किया है कि यदि ठान लें तो एक साल में भी बड़े इतिहास गढ़े जा सकते हैं।